नमस्कार, मम्मी एम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ आलू बुंडा बनाने, ब्रेड आलू बुंडा। तो चलिए मैं बना के दिखा रही हूँ। आलू बुंडा बनाने के लिए ये ब्रेड ले ली हूँ, ब्रेड के कटिंग कर ली हूँ। और इधर देखिए आलू फ्राई कर ली हूँ, जैसे समोसा के लिए तैयारी की थी आलू उसी तरह से है ये रेसिपी। में समोसा वाला दिखा रखी हूँ आलू के फ्राई करते हुए, मसाला तैयार करते हुए। और ये मैदा है, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और हल्का नमक से घोल तैयार करी हूँ। और ये कटिंग करके ये ब्रेड का है, ये भी यूज हो जाएगा, ये फेंका नहीं जाएगा। ये ब्रेड का टुकड़ा जो भी है इससे ब्रेड क्रम बना सकते हैं हम, आराम से बन जाएगा मिक्सी में पीस के। तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आज थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ। ये ऐसे ब्रेड ले लेंगे, ये ब्रेड ले ली हूँ मैं, इसमें जो मैदा के घोल बनाई थी उसे इधर से चारों तरफ से लगा लूंगी। ब्रेड की कटिंग कर रखी हूँ, आप लोगों ने कर लीजिएगा आप कटिंग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और इसमें ये ऐसे रख के दो ब्रेड, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा। हमारा ब्रेड थोड़ा सा ठीक नहीं दिया है, टूट रहा है, ये देखिए टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे करके अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। बिल्कुल ताज़ा ब्रेड लीजिएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये फ्रीज में था 2 दिन के ब्रेड, इसलिए ये टूट रहा है। ये देखिए ऐसे बुंडा बना लीजिए, फिर दूसरा मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। दूसरा में भी ऐसे ही भरना है, पानी लगा के भी भर सकते हैं, मैं पानी लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें पानी लगा दी हूँ, देखिए ऐसे भर लीजिए। ये ब्रेड के आलू बुंडा बनके तैयार है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें बेसन के घोल लगा दिए जाए या मैदा के लगा दिए, लेकिन मैं ऐसे ही तलूंगी से, देखिए तल रही हूँ मैं। इधर देखिए तेल गर्म हो गई है, मीडियम पे तल लें। ये देखिए कितना करारी हुआ है, आलू बुंडा बन के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल करारी करारी है। और एक और चीज मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसके ऊपर ये मैदा के जो घोल है इसे ऐसे लगा लूं, और आप भी लगा लीजिएगा ऐसे। और ये देखिए आराम आराम से इसमें लगा दीजिए। थोड़ा ब्रेड सही नहीं है, आप अच्छा ब्रेड देख के लीजिएगा, इसको फोल्ड कीजिए ऐसे। देखिए टूट रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ताज़ा ब्रेड लेके आप बनाइएगा और इसे ऐसे रोल कर लीजिए अच्छी तरह से। ऐसे इसका रोल बना लीजिएगा और इसे देखिए बीच में से कटिंग कर दीजिएगा, इसे देखिए इसे काट लीजिएगा। और ये जो मैदा के घोल है इसके अंदर डीप करके हल्का सा, ये देखिए
इसमें तलने के लिए डाल दीजिए। ये देखिए जो कटिंग करी थी ब्रेड रोल बना करके उसको कटिंग करी हूँ। ये भी आलू बोंडा ही है, ब्रेड आलू बोंडा, इसे कटिंग कर दिए, थोड़ा छोटा छोटा हो गया ये देखिए। और इधर जो है ये बड़ा बड़ा है देखिए। ये मैदा के जो घोल है इसी घोल में इसे निकाल करके और ऐसे डालना है, छोटा छोटा आलू बोंडा है। तो लीजिए आलू बुंडा बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।